राजस्थान कांग्रेस में पिछले चार साल से उठापटक चल रही है। पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबी सियासी अदावत चली, जिसकी वजह से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अस्थिर रही। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस के 25 दिग्गज नेताओं सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित वरिष्ठ नेताओं ने नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक रक्षपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा सेवा दल से जुड़े रहे। सुरेश चौधरी, विनोद पुनिया और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके रामपाल शर्मा सहित बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। ये नेता हुए बीजेपी में शामिल। राजस्थान में कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रक्षपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा रामपाल शर्मा, पूर्व विधायक रामनारायण किसान, अमित व्यास, पूर्व आईएएस ओंकार सिंह चौधरी, गोपाल राम कुकड़ा, अशोक जांगीर, प्रिया सिंह मेघवाल, राजस्थान कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चौधरी, राजेंद्र परसवाल, शैतान सिंह मेहरड़ा, प्रधान पंचायत समिति जोबनेर, रामनारायण झाझड़ा, प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा, जगन्नाथ बुरडक, कर्मवीर चौधरी, कुलदीप देवा, बच्चू सिंह चौधरी, रामलाल मीना, महेश शर्मा, रणजीत सिंह और मधुसूदन शर्मा बीजेपी में शामिल हुए।